गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम स्वाति सिंह. हम अपनी साइकोलॉजी की क्लासेस कर रहे थे. इससे पहले वाली क्लासेस में हमने मेथड्स पढ़ लिए हैं, साइकोलॉजी क्या होता है, शिक्षा क्या होती है, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान और शिक्षा का क्या अर्थ है, दोनों का आपस में कैसे संबंधित है, बहुत सारी चीज़ें हम करते हुए चल रहे हैं. उसके साथ साथ आज जो मेरी क्लास है, मैं उसमें आपके लिए साइकोलॉजिकल फैक्ट्स लेकर आई हूँ कि मनोविज्ञान के जो तथ्य हैं, तत्व दिए गए हैं, वो क्यों लेके आई हूँ. क्योंकि अगर आप क्लासेस के साथ साथ ये पॉइंट्स, की पॉइंट्स लर्न करते हुए चलेंगे तो आपको हेल्पफुल होंगे कि मनोविज्ञान किसने दिया, आधुनिक मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया, वन फैक्टर, टू फैक्टर थ्योरीज जितनी हैं हमारी वो किस किसने दी. तो मैं पर क्लास में आपके साथ 10-10 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं होंगे आपके लिए और कम भी नहीं होंगे. 10 क्वेश्चंस जो नंबर ऑफ क्वेश्चनिंग्स है वो आपके लिए इनफ है लर्न करने के लिए भी और रिवाइज करने के लिए भी. लेकिन जब नेक्स्ट क्लास में मैं 10 और क्वेश्चंस लेके आऊँगी तो इस 10 के अकॉर्डिंग मैं आपसे कोई भी क्वेश्चंस पुट कर सकती हूँ, कुछ भी पूछ सकती हूँ, तो आपको लर्न होने चाहिए. तो इसलिए टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना. तो अभी देख लेते हैं ये हमारे 10 क्वेश्चंस हैं. सबसे पहले आता है मनोविज्ञान के जनक कौन है, साइकोलॉजी के जनक कौन है, साइकोलॉजी सबसे पहले कौन लेकर आए थे. आपको पता है हमने जब साइकोलॉजी मनोविज्ञान पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने साइकोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके साइके प्लस लॉजिस आपको बताया था. तो उसमें बताया था ना आत्मा का अध्ययन करने वाला, और आपको ये भी बताया था कि आत्मा सबसे पहले हमें जो उसकी डेफिनेशन दी गई थी वो किस रूप में दी गई थी, वो ऐसे दी गई थी आत्मा, फिर उसके बाद मन आया था, फिर उसके बाद चेतन अनुभूतियाँ आई थी, और उसके बाद लास्ट में क्या आया था, हमारा व्यवहारवाद. ऐसे मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी मनोविज्ञान की, कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा था, फिर मन का, फिर चेतन अनुभूतियों का, फिर व्यवहारवाद. जो हमारा रीसेंट अभी चल रहा है कॉन्सेप्ट की साइकोलॉजी क्या होती है, वो व्यवहारवाद का भी चल रहा है, जो हमारे जेबी वॉटसन ने दिया था. ओके, तो सबसे पहले आत्मा जो दिया था वो किसने दिया था, मैंने बताया था प्लेटो और अरस्तू. तो यानी कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, हमारे अरस्तू. ओके, अब इसके बाद आता है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है. अब बताइए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हुए. इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया कि सबसे पहले आत्मा का आया था, तो आत्मा के बारे में आ गया, यानी कि अरस्तू हैं. और उसके बाद आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हुए, हमारे विलियम जेम्स. दो पॉइंट आपको याद हो गए. याद रखना मनोविज्ञान, जब केवल मनोविज्ञान पूछा जाए आपसे, केवल साइकोलॉजी पूछा जाए, तो वो हमारे अरस्तू हैं. लेकिन जब आधुनिक मनोविज्ञान पूछा जाए, यानी कि जो आधुनिकता लाए थे उसमें, जो आगे चल के उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जो हमारे अभी चलन में है, तो वो कौन लेकर आए थे, वो हमारे विलियम जेम्स लेकर आए थे. इसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, प्रज्ञावाद संप्रदाय के जनक कौन थे. देखिए विलियम जेम्स जो थे उन्होंने प्रयोग, यानी कि उन्होंने कहा था कि जो भी चीज़ बच्चे को पढ़ाई जाए वो एक्सपेरिमेंट या प्रयोग के द्वारा पढ़ाई जाए, जिससे बच्चे जल्दी से लर्न करना सीख सके और उनके लिए हेल्पफुल होगी. क्योंकि जब हम किसी चीज़ को या काम को करके सीखते हैं ना, तो वो हमारी परमानेंट नॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाता है. लेकिन अगर हमने फॉर एग्जांपल की बुक में से मैंने ऐसे ही कुछ रीड आउट कर लिया, तो वो टेम्परेरी नॉलेज में रहता है मेरी, क्योंकि वो थोड़ी देर में या तो गायब हो जाएगा. जब अगर मैं उसको दोबारा रिकॉल नहीं करूँगी या रिवाइज नहीं करूँगी, तब तक वो मेरी परमानेंट नॉलेज के अंदर नहीं जाएगा. तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रज्ञावाद के अंदर किसने कहा था, विलियम जेम्स. उसके बाद आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है. फर्स्ट मनोविज्ञान के जनक पूछा था, जो हमारे अरस्तू थे.
सेकेंड आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछा था जो हमारे विलियम जेम्स हैं, और अब पूछा है शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी के जनक कौन है, जिसने सबसे पहले साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को यानी कि मनोविज्ञान को एजुकेशन शिक्षा से संबंधित किया था और बताया था कि मनोविज्ञान को अगर हम शिक्षा में यूज़ करें तो कितनी हेल्पफुल हो सकती है बच्चों के लिए भी और एक टीचर के लिए भी। वो कौन थे हमारे, वो थे थ्रॉन्डाइक। थ्रॉन्डाइक का जो एक्सपेरिमेंट था कैट के ऊपर जो उन्होंने किया था, उससे पता चलता है कि बच्चे को कोई भी चीज़ सीखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम किसी भी चीज़ को बच्चे को सिखा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर थ्रॉन्डाइक ने शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान को जोड़ा था। अब आता है बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत यानी कि मल्टी थ्योरी। मल्टी थ्योरी किसी कही थी, जब हम इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के बारे में जो अपना पूरा चैप्टर होगा उसके बारे में पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे आएंगे। ये हमारे बुद्धि से रिलेटेड है, बहुखंड, बीने साइमन, एक खंड, दो खंड, तीन खंड और सामान्य व विशेष तत्वों के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा चैप्टर है इंटेलिजेंस का, बुद्धि का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके उसी में से बनते हैं। और क्योंकि फैक्ट्स और उसके अंदर इतनी सारी थ्योरीज हैं कि वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसीलिए मैंने इसके अंदर ये चार पांच क्वेश्चन डाल दिए आपके लिए कि अभी आपको रिवाइज हो जाएंगे। जब मैं चैप्टर कंप्लीट करूँगी या स्टार्ट करूँगी आपको पढ़ाने के लिए तो उसके अंदर भी हम रिवाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बहुखंड मल्टी, देखिए एक है मल्टी केवल, और जो एक और है या एक और आएगा हमारा वो है मल्टीपल थ्योरी, ठीक है। दोनों अलग अलग है तो मल्टी थ्योरी ध्यान रखना और मल्टीपल थ्योरी याद रखना, वो नेक्स्ट वाली सीरीज में लेकर आऊँगी। इसमें है आपका बहुखंड यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी किसकी थी, बुद्धि सिद्धांत का, ये भी हमारे थ्रॉन्डाइक की थी। उसके बाद आता है हमारा बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। बीने जी ने, आपको पता है कि जब लास्ट में जब हमारा कॉन्सेप्ट आया था व्यवहारवाद वगैरह, तो उसको देखते हुए लोगों के दिमाग में या हमारे साइकोलॉजिस्ट के दिमाग में एक बात आई थी कि अगर हम बच्चों के व्यवहार को जानना चाहते हैं और मेंटल एबिलिटी को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि बुद्धि परीक्षण होना चाहिए यानी कि मेंटल साइकोलॉजिकल टेस्ट होने चाहिए और आईक्यू लेवल टेस्ट करने चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या था, तो जब ये बात आई तो वो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत रखा गया था। जो सबसे पहले बुद्धि का जिस पे परीक्षण किया था वो थे बीने, नाम से ही पता चल रहा है बीने साइमन, तो यानी कि बीने जी ही हैं हमारे अल्फ्रेड बीने ने हमारे क्या दिया था, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, ठीक है। 1905 में दिया था ये, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक मशीन या कंटेंट तैयार किया था जिससे हम बच्चे का मेंटल एबिलिटी और आईक्यू टेस्ट कर सकते हैं, तो इन्होंने केवल परीक्षण दिया है। एक खंड यानी कि वन फैक्टर बुद्धि का सिद्धांत, वन फैक्टर थ्योरी किसने दी है, वन फैक्टर थ्योरी दी है आपकी जॉनसन जॉनसन बीने। बहुखंड किसने दी है, मल्टी थ्योरी थ्रॉन्डाइक ने। वन फैक्टर थ्योरी किसकी दी, किसने दी है, जॉनसन बीने ने। अब आता है टू फैक्टर बुद्धि का सिद्धांत, टू फैक्टर किसने दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली टू फैक्टर वाली, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे इंटेलिजेंस चैप्टर के अंदर। टू फैक्टर थ्योरी हमारी दी है स्पीयरमैन ने। ठीक है, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत भी हमारा किसने दिया है, स्पीयरमैन ने, यानी कि थ्री फैक्टर थ्योरी भी हमारी किसने दी है, हमारी स्पीयरमैन ने। अब देखिए इसमें एक खंड, आप इसको कोरिलेट करके पढ़िए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, जिससे आपको लर्न हो जाएगा। वन फैक्टर जॉन्स बीने ने एक ही में है और बाकी की जितनी भी दी हैं, मतलब टू फैक्टर स्पीयरमैन, थ्री फैक्टर स्पीयरमैन और सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, मींस जी और एस फैक्टर, ये किसने दिया है, ये भी आपका स्पीयरमैन ने।
जो हमारा टू फैक्टर थ्योरी है, टू फैक्टर थ्योरी के अंदर ही ये तत्व आते हैं। जब टू फैक्टर थ्योरी दी थी स्पेयरमैन ने, ये वाली दोनों कोरिलेटेड है। टू फैक्टर थ्योरी के अंदर जब स्पेयरमैन ने दी थी तो उन्होंने बोला था कि जी फैक्टर होना चाहिए बच्चे के अंदर और एक एक्स फैक्टर एस फैक्टर होना चाहिए। तो जी और एस फैक्टर भी किसने दिया है? हमारा स्पेयरमैन ने दिया है। उन्होंने क्या कहा था? जी से हमारा क्या मतलब है? जर्नल, ठीक है, जर्नल थ्योरी दी थी उन्होंने। जी से मतलब है जर्नल और एस से मतलब है स्पेसिफिक, यानी कि विशिष्ट, सामान्य और विशिष्ट तत्व बच्चे के अंदर कैसे होते हैं। जो जर्नल फैक्टर्स होते हैं वो सभी के अंदर पाए जाते हैं, मतलब जर्नल है वो फैक्टर्स सभी बच्चों में होंगे। लाइक किसी बच्चे का फॉर एग्जांपल किसी की हाइट हो गई, मतलब जो एक डेवलपमेंट की स्टेज है वो तो सभी बच्चों में सामान्य रूप से होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले एक बच्चा तो एक फर्स्ट क्लास में गया, सेकंड में गया, ये एक साल का हुआ है, दो साल का हुआ है, और कोई बच्चा एक से सीधा दस साल का हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता, एक का ही होगा, दो का, तीन का, चार का, ऐसे वन बाय वन वो डेवलप करेगा और उसकी स्टेजेस भी ऐसे ही बढ़ेंगी। और विशिष्ट फैक्टर क्या होते हैं? विशिष्ट फैक्टर होते हैं, और देखिए जनरल फैक्टर्स कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे कि स्कूल के अंदर सभी बच्चे हैं, ठीक है, सब बच्चों के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। किसी का क्रिकेट में है, किसी का डांस में है, किसी का वॉलीबॉल में है, किसी का एथलीट में, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है अलग अलग, ओके। तो वो क्या है, सभी बच्चों में होंगे, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट होगा ही ना बच्चों का प्ले वे में, डांस में और अलग स्किल्स में, वो क्या होंगे, जनरल फैक्टर होंगे। लेकिन स्पेसिफाई फैक्टर्स कैसे होंगे? जिन बच्चों में बिल्कुल विशिष्ट तत्व पाए जाएंगे। जैसे आपको पता है लता मंगेशकर जी हैं, उन्होंने संगीत में इतना अच्छा किया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंगिंग करूँगी तो ये तो नहीं ना कि मैं लता मंगेशकर जी बन जाऊँगी। सिंगिंग का फैक्टर है मेरे अंदर, यानी कि जनरल फैक्टर है मेरे अंदर, लेकिन विशिष्ट नहीं है कि मैं लता मंगेशकर जी की तरह बन जाऊँ, ठीक है। और सेकंड ऐसे ही कि कोई क्रिकेट है, कोई क्रिकेटर है, मतलब स्कूल टाइम में उसने खेला, स्कूल के बाद कॉलेज में खेला, घर के सामने ग्राउंड है वहाँ खेल लिया, और स्ट्रीट लीग्स होती हैं कि गली में खेल लिया, ठीक है। लेकिन कोई ऐसे सचिन तेंदुलकर तो नहीं बन जाएगा। सचिन तेंदुलकर में क्या था, एक अलग से विशिष्ट तत्व पाए गए थे, मतलब थे उसके अंदर जिनसे उन्होंने स्पेसिफाई फैक्टर्स पाए गए थे, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी हमारा स्पेयरमैन ने दिया है, ये दो खंड फैक्टर थ्योरी के अंदर आता है, ठीक है। अभी आपके 10 क्वेश्चंस हो गए पूरे कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम और 10 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इसी के द्वारा आपको ऐसे रिवाइज होते चले जाएंगे। तो लर्न करते रहिए, नेक्स्ट क्लास में जब मैं 10 और डिस्कस करूँगी तो प्लीज़ इनके बारे में भी पूछूँगी आपसे, ताकि आपको ये रिवाइज रहे, ओके। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना, और बेल आइकन भी अपनी नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर लेना। और बाकी जो हमारे KVS PGT का कंप्यूटर साइंस का आपको कोर्स चाहिए उसकी स्टडी रिलेटेड, तो ऑनलाइन देखिए, और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर्स शेयर किए हुए हैं उन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।